तो दोस्तों हम लोग हैं महबूब स्टूडियो में और रात का वक्त है, आखिरी दिन है और बहुत सारे गाने अभी भी हमें ख़त्म करने हैं, लेकिन एक्साइटमेंट रहना चाहिए फिर भी। और इसी एक्साइटमेंट के साथ हम नीलम से बात करेंगे जो पूना से आई हैं, कि उनका क्या एक्साइटमेंट है, फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना एक गाना रिकॉर्ड किया, कैसा लग रहा है उनको। तो नीलम आप बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, जो शूट यहाँ पे हुआ गाने का बहुत ही अच्छा था। मैंने पहली बार ऐसे शूट किया है और गाना बहुत ही अच्छा था, बहुत सुरीला था, बहुत रोमांटिक, मतलब भजन तो बहुत ही अच्छा था। सो आई लाइक इट, बहुत अच्छा लगा आपको। तो आप बेसिकली लोनावाला से? जी। अच्छा, मैं पूना में मेरी फैमिली तो यहाँ रहती है पर मुझे पूना जाना पड़ता है, तो मैं पूना में ही रहती हूँ। तो सिंगिंग जो है आपका, लाइक बचपन से करती आ रही है, पैशन है, कैसे है? बचपन से नहीं, मैंने मतलब 20 साल के पहले किया था क्लासिकल, तो अभी उसका यूज़ हुआ, बहुत ही शुक्र मतलब थैंक्स फॉर B2B कि उन्होंने मुझे इतना अपॉर्चुनिटी दी कि मैं गाने के लिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, इसके लिए धन्यवाद। तो आपकी फैमिली क्या आपको सपोर्ट करती है सिंगिंग में? हाँ करती है, वो मुझे नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ, तो वो सपोर्ट करते हैं आपकी सिंगिंग की? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। तो आप बेसिकली क्या करती हैं, मतलब आपका जॉब क्या है, प्रोफेशन क्या है? मैं सहारा सिटी में जॉब करती हूँ, वहाँ पे मैं एज ए सिक्योरिटी करती हूँ। हाँ। तो मुझे उन्होंने मौका दिया कि आप जाओ अपना टैलेंट दिखाओ, और यहाँ पे आके मैंने अपना टैलेंट दिखाया, सिंगिंग किया, बहुत अच्छा लगा। तो अभी ये पूरा परफॉर्मेंस देख कर आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही मतलब मैं कितने दिल से आपको शुक्रिया अदा करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट धन्यवाद आपके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो अभी आप वापस पूना ही जाएंगी? जी जी, आप जेट वाले सभी जुड़ी रहेंगी।